नमस्कार। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जीनेटिक मैप डिस्टेंस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और जीनेटिक मैप डिस्टेंस के बारे में। दूसरी एक बात, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर का जो अंत भाग है, लेक्चर के एंड में मैं आपको जो है होमवर्क जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ। तो लेक्चर के एंड में आप होमवर्क जो है वो भी देखिए, ठीक है। नमस्कार। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जीनेटिक मैप डिस्टेंस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जीनेटिक मैप डिस्टेंस। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। पहला जो पॉइंट है, देखिए, इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी कि इनके आगे जो लेक्चर लिए हमने, जो टॉपिक हमने डिस्कस किए, उसमें वी हैव कंसिडर हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्रोमोसोम मैप फ्रॉम डेटा ऑन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीनेटिक मार्कर। अब इसके आगे जो हमने लेक्चर लिए, उसमें हमने देखा कि हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्रोमोसोम मैप फ्रॉम द डेटा ऑफ रिकॉम्बिनेशन जीनेटिक मार्कर। यानी जो क्रोमोसोम पे, जो अब ये जीनेटिक मार्कर की बात कर रहे हैं, जीनेटिक मार्कर क्या होता है, पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं। देखिए, जीनेटिक मार्कर जो है इज अ जीन। जीनेटिक मार्कर जो है जीन है, या तो डीएनए की सीक्वेंस है विथ अ नोन लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम पे जो जीन है, या तो जो डीएनए की जो सीक्वेंस है जो हम जानते हैं, ठीक है, तो उसको ही हम जीनेटिक मार्कर कहते हैं। तो फिर से वापस आते हैं हमारा जो टॉपिक है उसमें, कि इसके आगे जो टॉपिक था, इसके आगे जो लेक्चर थे, उसमें हमने क्या किया कि वी हैव कंसीडर हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्रोमोसोम मैप फ्रॉम डेटा ऑन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीनेटिक मार्कर। यानी कि जो जीन है, इनके जो रिकॉम्बिनेशन का जो डेटा है, और उससे रिकॉम्बिनेशन डेटा जो है उसको यूज करके किस तरह से क्रोमोसोम मैप जो है वो बनाना, वो हम उसके बारे में हमने जाना। चलिए, अब दिस डेटा अलाउ अस टू इन्फर वेयर अ क्रॉसओवर हैव अकर इन अ सैंपल ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो डेटा था, इससे हमको क्या पता चला कि जो सैंपल ऑफ क्रोमोसोम जो है, मियोसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो जो क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है उसका उसका जो लोकेशन है, ठीक है, वेयर वो जो क्रोमोसोम पे जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है, वो हमको पता चला, है ना। अब देखिए, आगे देखते हैं। बाय लोकलाइजिंग एंड काउंटिंग दिस क्रॉस ओवर, ये जो क्रॉस ओवर है क्रोमोसोम पे, ठीक है, तो इनका लोकेशन यानी इनका जो स्थान है वो देख के, और इनकी जो संख्या है, कितने क्रॉसिंग ओवर हुए, उसका काउंटिंग करके, वी कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड देन प्लेस द जीन ऑन अ क्रोमोसोम मैप, ठीक है। तो ये जो क्रॉस ओवर जो है, इनका हमने क्या किया, इनका लोकलाइजेशन किया, क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है, उनकी क्रॉस ओवर की संख्या कितनी है, ये एक बार हमको पता चला। तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन जीन, जीन के बीच का जो अंतर है वो, उसका हम पता, उसका एक अनुमान जो है वो लगा सकते हैं, एंड देन प्लेस द जीन ऑन अ क्रोमोसोम मैप, और फिर इसके बाद हम जो है जीन को क्रोमोसोम मैप पे, जीन कहाँ पे लोकेट है वो हम दर्शा सकते हैं, वो हम बता सकते हैं। चलिए, अब देखिए, अब ये वाली जो मेथड है, दिस मेथड वर्क वेल एज लॉन्ग एज द जीन आर फेयरली क्लोज टुगेदर, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो डेटा है, और उससे क्रोमोसोम के ऊपर जीन का जो मैपिंग करना,
जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बताना, ये सारी जो बातें हैं वो कब तक सही तौर पे काम करेंगी, जब तक कि जीन जो है क्रोमोसोम में पास पास हैं तब तक ये जो चीज़ें हैं ये सही तरीके से काम करती है, हमारी जो एस्टिमेट है वो प्रॉपरली हम कर पाते हैं। फिर हावेवर व्हेन दे आर फार अपार्ट, जब जो जीन जो है क्रोमोसोम पे जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू मैप डिस्टेंस। तो जब जीन जो है क्रोमोसोम पे एक दूसरे से दूर होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीन के बीच का जो सही अंतर है वो नहीं बताती हमको, है ना। अब देखिए ये फिगर 7.15 जो है, फिगर 7.15 भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखिए, एज एन एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द जीन्स एट द एंड ऑफ ब्रिजिस एंड ऑल्ब्रिक मैप ऑफ द एक्स क्रोमोजोम। तो ये जो फिगर है, ये फिगर भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये फिगर क्या बता रही है आपको कि भाई ब्रिजिस और ऑल्ब्रिक जो जीनेटिसिस है इनका नाम है ब्रिजिस एंड ऑल्ब्रिक मैप ऑफ द एक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम का मैप है, और ये एक्स क्रोमोजोम का जो मैप है ये एक्स क्रोमोजोम है उस पे एससी जो जीन है, एससी जीन कहाँ पे है, तो एससी जीन आप देखोगे तो वो लेफ्ट एंड पे है, और ये 66 ये एससी वाला जो जीन है, एससी जो जीन है वो 66.8 सेंटीमॉर्गन अवे फ्रॉम एफ एट द राइट एंड। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ फिगर जो है, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड पे आपको एस सी जीन बताया है, ये एक्स, ये देखिए आप, ये जो है ये एक्स क्रोमोसोम है, और ये जो है ये आपको यहाँ पे एफ जीन आपको बताया है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना बोला, तो वो है 66.8 सेंटी मॉर्गन, ठीक है, इतना जो अंतर है वो हमको बताया है, इतना इतना डिस्टेंस बताया है हमको। चले अब जो है आगे, अब देखना फिर, हाउएवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन एस सी एंड एफ वॉज 50% द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब मैंने आपको क्या कहा कि जो एस सी है, एस सी और एफ के बीच में जो मैप डिस्टेंस है वो कितना है, 66.8 सेंटीमॉर्गन, है ना। लेकिन अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है, तो एस सी और एफ के बीच में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है वो कितना है, वो तो है 50%, और ये 50% जो है वो क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। अब ये क्या बात हुई, तो यहाँ पे इस बात को समझते हैं। देखिए जो क्रॉस है, तो यहाँ पे आप जो ये आप देखिए, ये ड्रोसोफिला जो है ये F1 जनरेशन में आपको ड्रोसोफिला बताइए, F1 जनरेशन की ड्रोसोफिला बताइए आपको, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल में दो जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपको बता दिए, ठीक है, और ये जो फीमेल है F1 फीमेल जो है वो कैसी है, तो डायहाइब्रिड हेटरोजाइगस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये SC और ये F, तो ये जो है ये SC प्लस और F प्लस जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये वाइल्ड टाइप कहेंगे, जबकि ये वाले जो हैं ये क्या हम कहेंगे, इनको रिसेसिव एलील कहेंगे। अच्छा ये जो मेल है, तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, और ये वाला जो है ये यहाँ पे आपको जो बताया, तो ये वाला जो है ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, इतनी बात। अब जो F2 जो है, इनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस कराने के बाद अब F2 की हम बात करें, तो F2 में आप देखिए, अब ये वाली ये F1 जो फीमेल है, ये फीमेल, ये F1 फीमेल जो है, F1 फीमेल क्या करेगी, F1 फीमेल का जो गैमेट है वो कितने प्रकार का होगा, तो वो होगा उसमें जो क्रोमोसोम है वो कितने प्रकार के, तो चार प्रकार के क्रोमोसोम वाले गैमेट जो है उनका फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिए एक जो है यहाँ पे, आप एक जो देखेंगे तो देख लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये ऐसे ही क्रोमेटिड अलग हो गए, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो
हमको पता है टेट्रार जो है वो बनता है ना। अगर दूसरा भी हम यहाँ पे लिख दें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना, दो दो बता दिए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो हर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड, तो इसकी और इसकी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस सी, यहाँ पे एस सी और ये एफ लिख देते हैं, और ये इस पे, ये यहाँ पे एस सी प्लस और ये एफ प्लस, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि चलो ये जो दोनों अलग हो गए, ये वाली और ये वाली, है ना। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इनके बीच में, इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसी के कारण आप देखिए, इसी के कारण जो एफ टू जो हमको मिल रहा है, तो ये देखिए स्कूट, स्कूट और फॉक, ठीक है। और ये जो है, ये स्कूट और फॉक का, ये यहाँ पे आपको वाइल्ड टाइप बताया एलील, यहाँ पे फिर स्कूट, तो ये एस सी और ये एफ प्लस, ठीक है। तो ये एस सी एफ प्लस, तो यहाँ पे खाली स्कूट लिखा है, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एस सी प्लस, तो ये जो है तो यहाँ पे फॉक लिखा है ना। तो ये तो बात हुई एफ टू जनरेशन जो है वो, एफ टू जनरेशन आपको बताई। और उसमें आप देखेंगे जीनोटाइप जो है, तो ये जो है ये एस सी एफ, तो एस सी एफ देखिए आप पेरेंटल है, ठीक है। फिर ये एस सी प्लस एफ प्लस जो वाइल्ड टाइप है, तो वो पेरेंटल है। लेकिन ये जो है स्कूट और फॉक जो है, ठीक है, तो ये जो दो प्रकार हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो दो प्रकार हैं, तो ये जो दो प्रकार हैं ये वाले, तो ये तो क्या है, ये तो नए प्रकार के हैं, ये नए प्रकार का कॉम्बिनेशन आया, तो इनको हम रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम कहेंगे। तो आप देखिए एफ टू जनरेशन की जो फ्लाई है, ठीक है, एफ टू जनरेशन की जो फ्लाई है उसमें आप देखिए, तो ये देखिए पेरेंटल कितने हैं, यानी जिनका फिनोटाइप पेरेंट से मिलता आता है ना, उनकी संख्या कितनी है। तो स्कूट फॉक 698 और वाइल्ड टाइप कितना है 931, तो ये पेरेंटल हुए। अब जो रिकॉम्बिनेंट है, तो रिकॉम्बिनेंट की संख्या भी यहाँ पे लिखी है, स्कूट कितने हैं 816, फॉक कितने हैं 803, तो टोटल जो है टोटल कितना हुआ 3248, ठीक है। 3248 जो है वो टोटल हुआ आपका। अब ये जो टोटल है, ये टोटल में आप देखेंगे कि टोटल में आपको परसेंट रिकॉम्बिनेशन, एक मिनट ऊपर कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रिकॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप देखिए टोटल जो है वैल्यू, टोटल फ्लाई कितनी है एफ टू में 3248, ठीक है। परसेंट रिकॉम्बिनेशन जो है वो आप देखिए उसका टोटल कितना हो रहा है जो रिकॉम्बिनेंट है उनका, तो यहाँ पे आप देखिए रिकॉम्बिनेंट जो है, ये रिकॉम्बिनेंट 1619 डिवाइडेड बाय 3248 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ रहा है परसेंट रिकॉम्बिनेशन जो है आपको, जो परसेंट रिकॉम्बिनेशन जो मिल रहा है, परसेंट रिकॉम्बिनेशन कितना मिल रहा है आपको, 50% मिल रहा है। लेकिन मैंने शुरुआत में ही हमने क्या देखा कि जो एस सी और एफ जो है, एस सी और एफ जो है वो अंतर कितना आ रहा है, एस सी और एफ के बीच में जो अंतर है वो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो तो कितना है, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो है 66.8 सेंटीमॉर्गन। और ये जो 66.8 जो है मैप डिस्टेंस, ये तो 50 से काफी ज्यादा है ना, 50 से तो ये ज्यादा ही है। तो देखिए, तो हमने जो बात करी कि देखिए एस सी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 66.8 सेंटीमॉर्गन, इतना ये डिस्टेंस है ना, इतना मैप यूनिट। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एस सी और एफ के बीच में हमने कितनी देखी अभी, वो है 50%, ठीक है। वो कितनी है 50% है, तो और ये जो 50% है, तो ये रिकॉम्बिनेशन की क्या है मैक्सिमम, ये 50% जो है वो तो रिकॉम्बिनेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो यूजिंग यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी टू एस्टिमेट मैप डिस्टेंस विश वी वुड कंक्लूड दैट एस सी एंड एफ वेयर 50 मैप यूनिट।
तो आपको जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है जो 50% मिली, तो उसके हिसाब से तो आपको एस सी और एफ के बीच का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 50 मैप यूनिट, इतना होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स द डिस्टेंस ऑब्टेन बाय समिंग द लेंथ ऑफ द इंटरविंग रीजन ऑन द मैप 66 इज द मच ग्रेटर, 66.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज मच ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 66.8 सेंटीमॉर्गन जो है वो 50 से ज्यादा है ना, 66.8 इज ग्रेटर देन 50। अब ये ग्रेटर क्यों आ रहा है, ये जो है ये बड़ा क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है कि देखिए, समिंग अप द लेंथ ऑफ द इंटरविंग रीजन, तो बीच वाले जो ये इनका कहने का मतलब क्या है कि एस सी और एफ के बीच में जो भी पूरा क्रोमोसोमल रीजन है उनका जो लंबाई है ना, छोटे छोटे जो रीजन है इनकी जो लंबाई है उसका जब हम टोटल मारते हैं तो वो टोटल कितना आता है, वो टोटल आएगा 66.8 सेंटीमॉर्गन है ना। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या बताता है हमको, दिस एग्जाम्पल शोज दैट ट्रू जीनेटिक डिस्टेंस, सही मायने में जो जीनेटिक डिस्टेंस है विच डिपेंड्स ऑन द एवरेज नंबर ऑफ क्रॉसओवर। तो जो ट्रू जीनेटिक डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द एवरेज नंबर ऑफ क्रॉसओवर ऑन अ क्रोमोसोम मे बी मच ग्रेटर देन द ऑब्जर्व रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो ऑब्जर्व रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो हमको देखने को मिल रही है उससे जो सही में जो जेनेटिक डिस्टेंस है, यानी ऑब्जर्व रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमने कितनी देखी 50%, और जो ट्रू जेनेटिक डिस्टेंस है वो कितना है 66.8 सेंटीमॉर्गन है ना। तो ये जो पॉइंट है ये हमने डिस्कस किया। अब देखिए, फिर मल्टीपल क्रॉस ओवर्स में अकर बिटवीन वाइडली सेपरेटेड जीन, क्रोमोसोम पे जो जीन जो है जो एक दूसरे से दूर दूर हैं तो उनके बीच में क्या मल्टीपल क्रॉसओवर होते हैं है ना, एंड सम ऑफ दिस क्रॉसओवर, और इनमें से जीन के बीच में दूर दूर जो जीन है उनके बीच में बहुत सारे क्रॉसिंग ओवर होते हैं, और इनमें से कुछ जो क्रॉसओवर हैं, इनमें से कुछ जो क्रॉसओवर हैं तो मे नॉट प्रोड्यूस जीनेटिकली रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। ठीक है, तो इनमें से कुछ जो है वो तो जीनेटिकली रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम प्रोड्यूस नहीं करते है ना। अब देखिए, अब ये जो पॉइंट है यहां पे आगे, ये जो पॉइंट है अब देखना, टू सी दिस लेट्स अज्यूम दैट अ सिंगल क्रॉसओवर अकर बिटवीन टू क्रोमेटिड इन अ टेट्राड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो टेट्राड, टेट्राड का मतलब यानी चार क्रोमेटिड है ना, एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरा जो क्रोमोसोम है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड, यानी टोटल चार क्रोमेटिड हुए यानी टेट्राड बना। तो ये टेट्राड जो है, ये टेट्राड में दो जो क्रोमेटिड है उसके बीच में क्या हो रहा है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या है, कॉजिंग रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैंकिंग जीनेटिक मार्कर। तो अब जो है इसकी वजह से क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेशन जो है जीन का क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, और उसके कारण जो नॉन पेरेंटल टाइप के जो क्रोमोसोम है वो भी हमको मिलेंगे अलग एलीलिक कॉम्बिनेशन वाले है ना। और इफ अनदर क्रॉस, पहले तो ये बात कर लेते हैं, अब पहले ये बात जो है मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे आप देखिए इस बात को हम समझते हैं कि यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं दूसरा अभी एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, तो यहां पे भी हम क्या, मैं बता देता हूं आपको। तो ये देखिए, ये एस सी और एफ जो है वो लिख दिया, और यहां पे ये जो है एक यहां पे भी हमने बता दिया। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये एस सी प्लस
ये यहाँ पे ये वाला जो है ये क्या हुआ, ये एस सी प्लस हुआ, ठीक है, और ये जो है ये एफ प्लस। तो इस तरह से हमने टोटल ये बता दिए, मियोसिस के टाइम पे इस तरह से हो जाता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो इसकी वजह से हर एक क्रोमोसोम में आप कितनी, दो सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करते हैं, चलिए इन दोनों के बीच में हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ चला जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये इतना जो पीस है वो यहाँ पे आप उठा लीजिए, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन है, ये पर्पल वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये पर्पल वाला पोर्शन जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये प्लस की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, खाली एफ, ठीक है। तो ये सिंगल क्रॉस ओवर जो है, इसकी वजह से आपको क्या, सिंगल क्रॉस ओवर की वजह से आपको क्या मिल रहा है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम मिले, रिकॉम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम मिले। लेकिन अब फिर से एक बार अगर हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं अगेन, अब दूसरी बार अगर हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो क्या होगा, दूसरी बार जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो यहाँ पे जो एफ है, ये वाला पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये एफ प्लस है वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, ये एफ प्लस जो है वो वापस यहीं का यहीं आ जाएगा, तो वापस ये हो गया। तो एक बार क्रॉसिंग ओवर किया तो जो जेनेटिक मार्कर है उनकी पोजीशन बदली हुई है, वो चेंज हुई, लेकिन दूसरी बार अगर क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो जो एलील का जो जगह है वो एलील जो है वो वहीं के वहीं पे आ जाएंगे, है ना। तो ये जो बात है यहाँ पे जो बता रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए अब जो यहाँ पे जो लिखा है कि देखिए, इफ इफ अनदर क्रॉस ओवर अकर बिटवीन दिस सेम टू क्रोमेटिड, इन्हीं दो क्रोमेटिड के बीच में फिर से क्रॉसिंग ओवर होता है तो द प्लैंकिंग मार्कर विल बी रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन। तो ये देखिए आप, वापस एलील जो थे वहीं के वहीं पे चले जाएंगे, है ना। तो द सेकंड क्रॉस ओवर एसेंशियली कैंसल द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरी बार जो क्रॉसिंग ओवर हुआ वो क्या करता है, पहले जो क्रॉसिंग ओवर का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देता है, और मूल रूप में जो परिस्थिति थी क्रोमोसोम में, जिस तरह से एलील जहाँ पे थे वो वही पोजीशन फिर से रिस्टोर कर देता है दूसरा क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए, द फॉर कन्वर्टिंग द रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड बैक इनटू देयर नॉन रिकॉम्बिनेंट, वापस वैसे के वैसे ही एलील की अरेंजमेंट आ जाएगी। तो इसके कारण दस इवन दो टू क्रॉस ओवर हैव अकर्ड इन दिस टेट्राड, तो ये जो टेट्राड है इसमें हालांकि क्या, दो क्रॉस ओवर हुए हैं, हालांकि दो क्रॉसिंग ओवर हमने देखे टेट्राड में, नन ऑफ द क्रोमेटिड दैट कम फ्रॉम इट विल बी रिकॉम्बिनेंट फॉर द फ्रैंकलिन मार्कर। लेकिन जो कोई भी जो क्रोमोसोम जो बना है क्रॉसिंग ओवर के बाद में, फाइनली जो हमको क्रोमोसोम मिल रहे हैं, इनमें तो किसी में भी हमको रिकॉम्बिनेशन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है जीन के लिए या तो फ्लैंकिंग मार्कर के लिए, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो है वो हमको नहीं देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब ये पहला जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये फिगर देखिए आप, ध्यान से देखना इस फिगर को। तो यहां पे आप देखेंगे टू स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर आपको दिखा रहा है, ठीक है, टू स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरी स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और डबल क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर है, एक क्रॉस ओवर यहाँ पे और एक क्रॉस ओवर यहाँ पे, ये डबल क्रॉस ओवर हुआ। चलिए अब जो लिखा है कि देखिए, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे जो लिखा है फिगर 7.16 में, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लोकाई, दो लोकाई जो है उनके बीच में डबल क्रॉसिंग ओवर दिखा, और रिकॉम्बिनेंट जो क्रोमोसोम जो है
तो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो है उनको क्या, जो एस्ट्रिक का जो निशान है ना, ये वाला जो निशान है एस्ट्रिक का निशान, तो इससे आपको रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो है वो दिखाए हैं। अब देखना, पहला जो फिगर मैंने अभी आपको दिखाया, पहले फिगर में टू स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर प्रोड्यूस ओनली नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो फिर से मैं आपको फिगर जो है वो दिखाता हूं, फिर यहां पे याद रखिए आप, टू स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर प्रोड्यूस ओनली नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो देख लीजिए आप फिगर में वापस, एक ही मिनट, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको बताया टू स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर का फिगर है, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये पेरेंटल है, ये क्रोमोसोम, ये वाला पेरेंटल है, ये वाला पेरेंटल है, ये वाला पेरेंटल है ना, पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है एलील का वही हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कि यहाँ पे कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है ना, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ही है, रिकॉम्बिनेंट तो क्रोमोसोम हमको दिखने ही नहीं मिल रहे है ना। अब देखिए, अब आगे ये जो पॉइंट है इसमें, फिर देखना, थ्री स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर प्रोड्यूस हाफ रिकॉम्बिनेंट एंड हाफ नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो ये जो फिगर है इसमें देखते हैं हम, देखिए यहां पे आपको थ्री स्ट्रैंड है ना डबल क्रॉस ओवर दिखाया है, तो यहाँ पे आप देखिए ये एक क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, और इसमें कितनी स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्ट्रैंड कितनी पार्टिसिपेट कर रही है, ये एक, फिर ये दूसरी स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड और ये तीसरा, तो ये तीन स्ट्रैंड जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तीन स्ट्रैंड पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे देखिए आप, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है वो पेरेंटल, ये वाला जो है जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी एलील है ये पेरेंटल, लेकिन ये वाला जो है जिसमें एस्ट्रिक का निशान है, तो ये देखिए आप, तो ये नया हुआ है ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट, और ये वाला जो है ये भी क्या हुआ, ये भी रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, अलग नया एलील कॉम्बिनेशन इनमें देखने को मिला। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें, ये एक, ये दो, ठीक है, तो दो क्रॉसिंग ओवर इस फिगर में भी, और यहाँ पे स्टैंड कितनी, तो स्टैंड अगर हम गिनते हैं तो स्टैंड ये एक, ये दूसरी स्टैंड और ये तीसरी, तो ये थ्री स्टैंड, और तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ए बी, ये पेरेंटल, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, ये पेरेंटल, लेकिन ये जो है ये सेकंड और थर्ड जो है, आप देखिए ये कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट है, नॉन पेरेंटल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे देखिए फोर स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर प्रोड्यूस ओनली रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। बता देता हूं मैं आपको, यहां पे देखिए फोर स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर प्रोड्यूस ओनली रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये कितना, ये इसमें देखिए ये एक दो तीन चार, चारों चार जो स्टैंड है, चारों के चार जो है वो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और क्रॉसिंग ओवर कितनी जगह पे हो रहा है, तो ये एक और ये दो, दो जगह पे क्रॉसिंग ओवर। तो इसकी वजह से फोर स्टैंड जो डबल क्रॉस ओवर है उसमें आप देखोगे तो सारे के सारे जो हैं इसमें, सभी जो आपको देखेंगे क्रोमोसोम वो कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट हैं है ना, या तो नॉन पेरेंटल है ना, तो इसमें सभी के सभी रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम हमको दिखने मिल रहे हैं, या तो हमको नॉन पेरेंटल हमको क्रोमोसोम दिखने को मिल रहा है। तो पूरा जो फिगर है, पूरा फिगर जो है, पूरा फिगर आप देख लीजिए, चलिए अब देखना,
दिस सेकंड एग्जाम्पल शोज दैट, ये दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या दर्शाता है, दिस सेकंड एग्जाम्पल शोज दैट अ डबल क्रॉस ओवर मे नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ये दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या दर्शाता है कि जो डबल क्रॉस ओवर जो है, तो वो डबल क्रॉस ओवर मे नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो डबल क्रॉस ओवर जो है वो ऐसा हो सकता है कि भाई वो तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, उसमें उसका कोई इसमें प्रदान ही ना हो, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही ना हो, है ना। इवन दो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी एवरेज नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑन अ क्रोमोसोम, लेकिन लेकिन क्रॉसिंग ओवर जो है उसकी जो संख्या है, अब जब हम गिनते हैं एवरेज नंबर ऑफ क्रॉस ओवर जो है, तो क्रॉस ओवर कितनी बार हुआ वो जो नंबर है उसमें तो उसको गिनती में लेते हैं, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है उसमें ये डबल क्रॉस ओवर जो है वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, है ना। तो और देखिए फिर अ क्वाड्रेपल क्रॉस ओवर वुड हैव द सेम इफेक्ट। तो क्वाड्रेपल क्रॉस ओवर जो है वो भी क्या है कि भाई एवरेज नंबर ऑफ जो एवरेज नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोम है उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो डेटा है उसमें ये क्वाड्रेपल क्रॉस ओवर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अच्छा फिर दिस एंड अदर मल्टीपल एक्सचेंजेस, तो ये और इस प्रकार के जो बहुत सारे मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पेंसी बिटवीन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जीनेटिक मैप डिस्टेंस। तो इस तरह से जो होता है ना, क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं और जो क्रॉसिंग ओवर जो वापस भी उसी स्वरूप में हो जाते हैं, मान लीजिए सिंगल क्रॉस ओवर हुआ फिर दूसरी बार हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर तो दो बार हुआ लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो है क्रॉसिंग ओवर की संख्या दो दो हम कह सकते हैं, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उसका जो डेटा है उसमें वो क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से तो ये जो रिलेशन है इसी कारण से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और जीनेटिक मैप डिस्टेंस जो है ना, ये क्या होता है कि जब छोटा अंतर होता है ना, छोटा अंतर यानी जीन जब पास पास में होता है, तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के डेटा पे से हम जीन के बीच का जो अंतर है उनका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस दिस डिस्पेंसी इज स्मॉल फॉर डिस्टेंस इज लेस देन 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमॉर्गन। तो जीन जो है देखिए, जीन के बीच में, दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमॉर्गन अगर है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है दो जीन के बीच में, है ना, तो वहां तक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो डेटा है उससे आप जो है जीन मैपिंग जो है वो कर पाओगे, यानी कहने का मतलब जीन के बीच में जो अंतर है वो आप बता पाओगे, लेकिन इससे ज्यादा जब होता है ये जीन के बीच का जब अंतर जो है, जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमॉर्गन से जब बढ़ जाता है, तो फिर जीन के बीच जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो डेटा है उससे हम जीन मैपिंग जो है वो एक्यूरेटली नहीं कर सकते। तो देखिए फिर और इसका कारण क्या है, तो पिछला जो लेक्चर है, पिछला लेक्चर में हमने क्या किया कि देखिए ओवर सच डिस्टेंस, जब जीन जो है क्रोमोसोम में बिल्कुल पास पास में होते हैं, तब क्या होता है, इंटरफेरेंस इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सप्रेस ऑलमोस्ट ऑल मल्टीपल एक्सचेंजेस। तो जब जीन एकदम पास पास में होते हैं तो क्या करता है, जो इंटरफेरेंस जो है वो स्ट्रांग होता है, यानी एक क्रॉसिंग ओवर जो है वो दूसरे क्रॉसिंग ओवर को इनहिबिट करता है, ठीक है। एंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज अ गुड एस्टिमेटर ऑफ द ट्रू जीनेटिक डिस्टेंस, ठीक है। तो इतना जब छोटा, जब जीन जब एकदम पास पास में होता है तब जो आई जो है यानी जो इंटरफेरेंस है वो काफी स्ट्रांग होता है, और ये इंटरफेरेंस स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा, एक जो क्रॉसिंग ओवर है तो दूसरे क्रॉसिंग ओवर को वो इनहिबिट करेगा, जो मल्टीपल एक्सचेंज हो रहे हैं उनको इनहिबिट करता है ना। तो उसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो जीन के बीच का डिस्टेंस है वो सही तरीके से बताती है, जब आई जो है जब स्ट्रांग होता है तब, या तो हम कह सकते हैं जीन जब पास पास में होते हैं तब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का डेटा है वो जीन मैप
जो है डिस्टेंस वो सही तरीके से बताता है, लेकिन फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 20 सेंटीमोर्गन, तो जब जीन का डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमोर्गन से अगर ज़्यादा है, दिस टू क्वांटिटीज डाइवर्ज, यानी जो रिकॉम्बिनेशन डेटा फ्रीक्वेंसी और जीन मैप जो है ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते, है ना, इनमें अंतर आ जाता है प्रिंसिपली बिकॉज मल्टीपल एक्सचेंज बिकम मोर लाइकली, क्योंकि जीन जब दूर होते हैं तो बहुत सारे क्रॉसिंग ओवर की उनके बीच में संभावना रहती है ना। तो अभी जो फिगर 7.17 है, 7.17 क्या बता रही है, शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जीनेटिक मैप डिस्टेंस। तो ये फिगर 7.17 है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये फिगर में आप देखोगे तो ये फिगर क्या बता रहा है आपको, मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और जीनेटिक मैप के बीच में एक डिस्टेंस जो है, जीनेटिक मैप डिस्टेंस के बीच में आप जो रिलेशन है वो आपको बताता है। तो यहाँ पे आप ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है, तो ये ग्राफ देखिए, मैप डिस्टेंस आप यहाँ पे लिखा है नीचे, एक ही मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे आपको x एक्सिस पे आपको मैप डिस्टेंस लिखा, और यहाँ पे जो y एक्सिस है तो यहाँ पे आपको क्या बताया है, परसेंट रिकॉम्बिनेशन वो लिखे। तो यहाँ पे देखिए आप शुरुआत में जो मैप डिस्टेंस है और रिकॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, परसेंट रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ता है तो मैप डिस्टेंस जो है वो उसके बीच में आपको सीधा जो रिलेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बाद में, तो शुरुआत में मैप डिस्टेंस बढ़ेगा, ये परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन बढ़ा, मैप डिस्टेंस जो बढ़ रहा है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ से ये तो कांस्टेंट हो गई, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे जो मैप डिस्टेंस है वो एक्यूरेटली नहीं बता पाएगा, ठीक है। शुरुआत में छोटा जो डिस्टेंस है, तो शुरुआत में जैसे ये बढ़ा तो यहाँ पे ये इसने एक्यूरेट बताया, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस स्ट्रांग है। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर ये जो ग्राफ है वो इस तरह से हो जाएगा, ये पैरेलल हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि भाई ये परसेंट रिकॉम्बिनेशन हुआ तो फिर ये मैप डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता, सही तरीके से नहीं बता पाता आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा, ये जो फिगर 7.17 है, तो यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड जीनेटिक मैप डिस्टेंस, इसके बीच में रिलेशन आपको बताया, फॉर वैल्यूज लेस देन 20 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। फिर देर इज अप्रोक्सीमेटली अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन एंड मैप डिस्टेंस, तो इतना छोटा वैल्यू है तब तो आपको लीनियर डिस्टेंस, लीनियर रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, लेकिन फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 20 सेंटीमॉर्गन द परसेंट रिकॉम्बिनेशन अंडर एस्टिमेट द मैप डिस्टेंस। तो 20 सेंटीमॉर्गन से अगर मैप डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो अगर बढ़ जाता है तो फिर जो परसेंट रिकॉम्बिनेशन जो है वो मैप डिस्टेंस को सही तरीके से आपको नहीं बताता, है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, ये अगर आप चाहें तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। फिर ये जो है यहाँ पे आप देखें, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, अब देखिए आज का जो लेक्चर है, तो आज का जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 86, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जेनेटिक मैप डिस्टेंस। अच्छा, जेनेटिक लेक्चर सीरीज में जो आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो 85 नंबर का जो लेक्चर है, ये 85 नंबर का लेक्चर,
ये 87 और ये 88। तो ये जो लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स अभी मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है इस पे ये लेक्चर मैंने ले लिए हैं, ये लेक्चर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और तो आप जानते ही हैं मेरा जो ऐप है, मेरे ऐप का नाम जो है, तो मेरा जो नाम है वही मेरे ऐप का भी नाम है, मनीष जे कोष्टी। और दूसरी एक बात जो है मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो है होमवर्क के बारे में, ठीक है। तो होमवर्क जो है, देखिए अब जो ऐप है उस पे जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का जो यूनिट है ना, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जो भी लेक्चर्स हैं वो मैंने ले लिए हैं, और ऐप पे ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और इन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूनिट इज कंप्लीटेड एंड लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन ऐप। और इसके अलावा ये वाला जो यूनिट है जीनेटिक लिंकेज एंड मैपिंग इन यूकैरियोट, तो ये जो यूनिट है जीनेटिक लिंकेज एंड मैपिंग इन यूकैरियोट, तो जीनेटिक्स का एक जो बुक है उसमें ये पूरा जो यूनिट दिया था उसके जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो यूनिट है जीनेटिक लिंकेज मैपिंग का, तो इसके लेक्चर्स जो हैं तो ये भी आप देख सकते हैं ऐप पे अभी। और अब आपने देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप लेक्चर देखिए और जो है नोट्स बनाइए और फिर आपका जो रिवीजन है वो करिए। अब उसके बाद इतना काम करने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, रिवीजन करने के बाद, जो बात आती है, ठीक है, तो वो अब आती है होमवर्क के बारे में। तो अब ये जो है होमवर्क, सबसे पहले जो आप जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को होमवर्क देना है ना, स्टूडेंट को जो होमवर्क देना, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, गिविंग होमवर्क टू द स्टूडेंट इज टीचर्स ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट। यानी विद्यार्थियों को जो होमवर्क यानी कि जो गृह कार्य जो है देना, गृह कार्य देना, वो शिक्षक का फर्ज होता है, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है और शिक्षक का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये जो बात है इसको ध्यान में रखते हुए अब जो है हम आपको जो होमवर्क है वो भी देना चालू कर रहे हैं। तो पहला जो होमवर्क हम आपको दे रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, ये जो है मेंडल जीन आइडिया वाला, पहला मेंडल इनहेरिटेंस है उसी के ये प्रश्न है, और सारे जो प्रश्न है वो बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो और ये प्रश्नों की जो संख्या है ये 62 है, और आप क्वेश्चन का जो जो सैंपल है ना, सैंपल जो है ये 62 जो क्वेश्चन है, ये 62 क्वेश्चन का जो सैंपल है वो आप मेरे एंड्रॉयड ऐप पे जाके देख सकते हैं। और सभी जो प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है उसके नीचे उसका जो उत्तर है, आंसर जो है ना, वो भी वहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो ये जो फोल्डर है, आप ऐप पे जाएंगे, आप ऐप पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो फोल्डर है स्टोर में जाके जीनेटिक लिंकेज एंड मैपिंग इन यूकैरियोट, ये वाला जो यूनिट है इसके जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको मेंडल जीन आइडिया होमवर्क 1 करके जो लेक्चर आपको दिखेगा उसमें उसके अंदर मैंने आपको ये जो है ये होमवर्क मैं आपको किस तरीके से मैं आपको दूंगा वो पूरी जो बात है वो मैंने आपको समझाई है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जाके देखिए किस तरह से मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, है ना। तो इसी के साथ में ये जो लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।